मैं खड़ी हूँ पानीहाटी फेरी घाट पर, जहाँ पर यहाँ फेरी परिसेवा को जो है निर्धारित समय के अनुसार ही चलाया जा रहा है, दिया जा रहा है। यहाँ शिकायतें सामने आई थी कि पूर्व तरीके से ही जो है अधिक से अधिक पैसेंजर लेकर फेरी सेवा दी जा रही है, फेरी में उठाया जा रहा है पैसेंजर्स को, जबकि परिस्थितियाँ थोड़ी अलग देखने को मिली। यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि कंटेनमेंट जो कि पानीहाटी अंचल में सबसे अधिक कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से तगड़ी व्यवस्था कर दी गई है और विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि 50% के पैसेंजर लेकर ही यहाँ पर फेरी से परिसेवा दी जाए। और इस बात का उचित ध्यान दिया जा रहा है कि जो पैसेंजर है वो जरूर से मास्क पहने, उन्हें टोका जा रहा है। हालांकि यह जाहिर सी बात है कि कुछ पैसेंजर्स है वो इतनी सचेत नहीं है और वे उनकी बातों को अनसुना कर बिना मास्क पहने ही घूमते फिरते देखे जा रहे हैं। पैसेंजर का कम लेकर चलाया जा रहा है, ऐसा परिसेवा आप लोग को मिल रहा है? आप लोग सेटिस्फाइड है ये सब परिसेवा से? वो ज्यादा पिछले के जैसे पहले भीड़ थी वैसे भीड़ नहीं हो रही है, तो आप लोग सेटिस्फाइड है जो सर्विस अभी दी जा रही है? फेरी घाट के तरफ आते समय तो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वे मास्क पहने, मगर इसके बाहर निकलते ही मानो उन्होंने सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया है और वे खुलेआम घूम रहे हैं बिना मास्क पहने, बिना ही कोई किसी तरीके की सचेतना दिखाते हुए वे इस तरीके से घूम फिर रहे हैं। स्थिति यहाँ पर नियंत्रित है, लेकिन हर जगह ऐसी परिस्थितियाँ नहीं देखने को मिल रही है। बैरकपुर सिरपांच कई ऐसे जो है फेरी घाट है जहाँ पर भीड़ अनियंत्रित तौर पर ही है, वहाँ पर 50% पैसेंजर की परिसेवा जो है वो नहीं देखने को मिल रही है।